हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 के बारे में। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज फुल डिस्कस करेंगे कंप्लेंसेस के बारे में, कैसे लाइसेंस लेना है, ठीक है, उसके बारे में पूरा आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम एक हाईलाइट उस पर लेते हैं। मीनिंग डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर आया था। ये इसलिए लाया गया था ताकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यहाँ पर दूसरे वेंडर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, तो क्या होता था, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डायरेक्ट पेमेंट कर देते थे कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर उन एम्प्लॉयज को पूरी पेमेंट नहीं करता था, या ESIC PF का जो होता था उनको कोई बेनिफिट नहीं देता था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर फोर्स मतलब आया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू है और इसमें 35 सेक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्कमैन इज अ डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन और इन रिलेशन टू द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इफ ही हायर्ड फॉर सच वर्क। इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई वर्कमैन है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया गया है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर आता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है, ठीक है, या किसी और के थ्रू है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इस बारे में पता भी है या उसको नहीं पता, पर उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ही आता है। ये अप्लीकेबल किस किस पर होता है, टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उस इस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा बंदे एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अगर उन्होंने काम किया है पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन 20 एम्प्लॉयज ने काम किया है, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है 1970 एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और सेम ही एवरी कॉन्ट्रैक्टर पर 20 और मोर वर्कमैन ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तो ये कॉन्ट्रैक्टर पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं आगे, वेयर लेस देन 20 वर्कमैन। अब क्या होता है कि काफ़ी जैसे हैं वर्कर कॉन्ट्रैक्टर हैं या कम एस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर 20 से कम बंदे पे भी काम करवा रही हैं तो एप्लीकेबल वहाँ पर भी हो सकता है। इट कैन बी अप्लाई बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कोई वहाँ की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर अप्लीकेबल करा सकती है, आफ्टर गिविंग लेस देन 2 मंथ्स नोटिस बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेटेड। कम से कम मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस देकर वो उन पर अप्लीकेबल करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस जो होता है लेबर लाइसेंस, इसमें क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसे बोलते हो आप, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को क्या होता है इसमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती है, लाइसेंस नहीं लेती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 में अपने आप को रजिस्टर कराती है। ठीक है, और रजिस्टर करवाने के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसे फोटोग्राफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देना पड़ता है, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, डायरेक्टर या मैनेजर हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल, ठीक है, उसका पैन कार्ड लगता है, डिन नंबर होता है डायरेक्टर का, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर बोलते हैं वो लगता है, ठीक है, या पैन कार्ड की कॉपी लगती है, और वो फॉर्म फर्स्ट होता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फॉर्म फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म फर्स्ट कैसा होता है, ये है फॉर्म फर्स्ट। इस फॉर्म फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन सेंट्रल रूल्स, फॉर्म फर्स्ट में एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन अपने आप को रजिस्टर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट, कोई इस्टेब्लिशमेंट आपको रजिस्टर करने के लिए इस एक्ट में ये फॉर्म फर्स्ट भरती है। ठीक है, फिल करके देना होता है, इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने होते हैं। ठीक है,
इसमें पूरी डिटेल आ जाती है कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका काम कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे किस नेचर का काम है, पूरा इसमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद आपको बताता हूँ, उसके बाद उसको फॉर्म, जो फॉर्म जैसे एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। जैसे अगर वो शॉप एक्ट है, ठीक है, शॉप एंड फैक्ट्री, शॉप एक्ट का लाइसेंस है तो शॉप एक्ट की कॉपी देना पड़ता है। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के एक्ट का कॉपी देनी पड़ती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कॉपी साथ में सपोर्टिंग लगानी पड़ती है, उसकी फोटो कॉपी लगानी पड़ती है। PF का रजिस्ट्रेशन है तो PF रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी पड़ती है, SI के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी पड़ती है, ठीक है। और इसके साथ डिक्लेशन फॉर्म आता है, उसे एक डिक्लेशन फॉर्म होता है, ठीक है, डिक्लेशन फॉर्म साथ में लगाना पड़ता है, जो आप इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। डिक्लेशन फॉर्म साथ में सपोर्टिंग में लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में, जो काम अपने वर्करों से करवाता है, ठीक है, उसके बिहाफ पर उनको सैलरी वेजेस मिलती है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, 20 या 20 से ज़्यादा हैं, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसे न्यू लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, फॉर न्यू लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो क्या होता है, न्यू लाइसेंस अगर लेना है तो फॉर्म फोर आता है, ट्रिपल कॉपी, इसकी 3 कॉपी एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस थी, ट्रिपल 3 कॉपी सबमिट करनी होती है। फॉर्म फोर मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्म फोर कैसा होता है, ये है फॉर्म फोर, ये फॉर्म फोर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन सेंट्रल रूल्स फॉर्म फोर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। इसमें क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड एज इन द इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज टू बी एम्प्लॉयड, कहाँ पे मतलब काम करवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ पे उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेड, पूरी डिटेल फॉर्म फिल करनी होती है, 3 कॉपियों में होती है, से 3 कॉपी बनती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फॉर्म फाइव की जरूरत होती है जब हम न्यू लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म 5 कॉन्ट्रैक्टर को इशू करता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जहाँ पे वो अपना काम करवा रहा है वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा, मुझे फॉर्म 5 चाहिए इसके लिए लेवल लाइसेंस लेने के लिए, तो फॉर्म 5 वो इशू करते हैं। फॉर्म 5 वो एक होता है, मैं उसको फॉर्म 5 भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं, एक डिक्लेशन टाइप में होता है, पर वो फॉर्म 5 वो रजिस्टर्ड है। क्या होता है, इस सेक्शन में टोटल 25 फॉर्म्स हैं, तो हर फॉर्म को कोई भी चीज़ की एप्लीकेशन करने के लिए हर एक का अलग फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन सेंट्रल रूल्स फॉर्म 5, जब आसानी से किसी फॉर्मेट में आप एक्सेल या वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब इस फॉर्म में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को ये बोलता है कि हाँ ये बंदा है हमारे यहाँ पे काम का मतलब करवा रहा है हमारे इस्टेब्लिशमेंट में, और इसके थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। वो एक डिक्लेशन उसको बोलता है, एप्लीकेंट माई इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफाइड दैट आई हैव इंगेज इन द एप्लीकेंट नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर इन माई इस्टेब्लिशमेंट, आई अंडरटेक टू बी बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो बोलता है कि ये बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर जो भी प्रोविजन है, जो भी मतलब कंप्लेंसेस हैं, उन सबको फॉलो करने के लिए हम बाउंड है, मतलब इसको हम सही तरह से फॉलो करेंगे, वो एक डिक्लेशन देता है, ठीक है, एप्लीकेंट। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, फॉर्म 5 हो गया, उसके बाद फॉर्म 13 होता है वर्कमैन, वर्कमैन की डिटेल्स होती है, वर्कमैन रजिस्टर्ड जो होता है ना उसे फॉर्म 13 बोलते हैं। फॉर्म 13 में होता है, उसमें क्या होता है, आईडी नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉयज का एड्रेस होता है फॉर्म 13, ठीक है, वर्कमैन रजिस्टर में। तो वर्कमैन रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी। उसके बाद है उसका कॉन्ट्रेक्टर ने शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी, PF का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, SI रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी कॉपी पूरी लगेगी, ठीक है, और पैन कार्ड, उसके पैन कार्ड की कॉपी लगेगी कॉन्ट्रैक्टर के। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, इस केस में यह है कि फिर उसको चालान जमा करना पड़ता है, भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कि कितने एम्प्लॉयज़ पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना चालान का, ठीक है, उसका चालान होता है पर एम्प्लॉयज़ का अवॉर्डिंग स्टेट वाइज वेरी करता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग वो है, तो उसका एक चालान जमा करवाना होता है बैंक में।
इसका अप्लाई करने के लिए क्या होता है, अब एप्लीकेशन आप पहले होता था मैनुअल ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया है। आप जैसे अब यूपी का मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ से, ऑनलाइन लेबर लाइसेंस यूपी। देखिए यूपी लेबर डॉट जी ओ वी डॉट इन, या यूपी का है, हर स्टेट का ऐसे अलग अलग वेबसाइट है लेबर डिपार्टमेंट की, तो वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आपने जैसे जीमेल में आईडी, आप लॉगिन आईडी बनाते हो, अगर लॉगिन आईडी आपकी नहीं है तो आप यहाँ पे जाके ठीक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, यहाँ पर आप अपना खुद का लॉगिन आईडी बना सकते हो। अगर पहले बात, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन अपना बना सकते हो, अपनी डिटेल एक देनी होती है, बस हो गया। थोड़ा सिस्टम स्लो है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें कुछ नहीं करना है, बंदे को अपना नाम डालना है, ये भी है। खुद बंदा अपना बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हम डालते हैं गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन जब अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ते हैं, कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, पर ये आपने अगर न्यू लाइसेंस ले रहे हो तो इसमें कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ते हैं, खाली इतने डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं न्यू लाइसेंस के लिए। न्यू लाइसेंस लेना तब भी आसान है। ठीक है, लाइसेंस में क्या होता है कि आपको अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एग्रीमेंट है, वहाँ पे एग्रीमेंट भी होता है साथ में। ठीक है, और एग्रीमेंट की कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ती है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि भाई इतना आप लाइसेंस ले रहे हो तो इतना अमाउंट आपको सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, वो आपको बाद में रिफंड मिल जाता है, वो आपको रिफंड मिलता है। अब रिफंड लेने के लिए उसके लिए भी फॉर्म है कि आप अगर अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड लेना है तो उसके लिए फॉर्म भर के आप रिफंड ले सकते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर आप कॉन्ट्रैक्ट आपका एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेरी लाइसेंस, ये देखिए दोस्तों फॉर्म 5A होता है, एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने फर्स्ट लाइसेंस फ्रेश लाइसेंस लेने के टाइम पे दिया था उसके लिए एडजस्टमेंट होता है। अगर आप रिन्यूअल कराने हैं, अगर कोई नया दूसरा लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उस पर एडजस्टमेंट हो जाएगा, या अगर आप रिफंड करना चाहते हैं तो इस पर आप पूरी डिटेल डाल के आप रिफंड के लिए डाल देंगे एप्लीकेशन तो आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म 5A। ठीक है, और न्यू लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको जमित करना होता है। फिर उसके बाद होता है रिन्यूअल लाइसेंस डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई रिन्यूअल अब रिन्यूअल कराना है, लेवल लाइसेंस एक्सपायर हो गया,
कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उसमें क्या होता है फॉर्म 7 एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, रिन्यूअल करने के लिए फॉर्म 7 देना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म 7 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है फॉर्म 7 एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है, ये रिन्यूअल के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिन्यूअल करने के लिए फॉर्म 7 देना पड़ता है। उसके बाद उसका हाफ ईयरली रिटर्न बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉय, हाफ ईयरली रिटर्न जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के द्वारा भरा गया है, फॉर्म 24 जो हाफ ईयरली रिटर्न जाता है फॉर्म 24 में जाता है, वो हाफ ईयरली रिटर्न की कॉपी देनी पड़ती है। ठीक है, वही सेम फिर वर्कमैन रजिस्टर की कॉपी देनी पड़ती है फॉर्म 13 एंड फॉर्म डी बोनस रजिस्टर की कॉपी, बोनस आपका जो है कंपनी का फॉर्म डी का जो पेड बोनस रजिस्टर की कॉपी देनी पड़ती है फॉर्म डी। ठीक है, उसकी कॉपी देनी पड़ती है, यह आपने बोनस का रिटर्न फाइल किया है। उसके बाद फिर आपको लास्ट 3 मंथ्स, इसमें क्या होता है रिन्यूअल में क्या होता है लास्ट 3 मंथ की वेजर रजिस्टर देना पड़ता है, मास्टर रोल देनी पड़ती है। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का, ठीक है, अब वेजेस स्लिप देनी पड़ती है और बैंक ट्रांसफर की आपने भाई बंदों को सैलरी दी है। ठीक है, और वेजेस स्लिप आपने स्लिप दी है बंदों को और बैंक ट्रांसफर उनके बैंक में सैलरी गई है प्रॉपर। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, वेजेस रजिस्टर हो गया, मास्टर रोल हो गया, वेजेस स्लिप। ठीक है, इनको अपने उसमें अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पर, ताकि वो जो लेबर लेबर ऑफिसर होता है वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट चेक करता है, उसके बाद ही आपको वो लाइसेंस रिन्यू करता है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आप पूरी कंप्लेंस कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट के अंडर 1917 के अंदर जो भी कंप्लेंसेज हैं उसको आप पूरी फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, उसके बाद ही वो आपको लाइसेंस रिन्यू करता है। ठीक है, ठीक है, एग्रीमेंट की फोटोकॉपी लगती है, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, ये तो सब में दोनों में ही सेम था, एग्रीमेंट कॉपी दोनों में सेम है, शॉप एक्ट की रजिस्ट्रेशन कॉपी सेम लगती है, पीएफ की, एसआईसी की और पैन कार्ड की कॉपी लगती है, और इस डिक्लेरेशन फॉर्म दोनों में लगता है। ठीक है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है अंडरटेकिंग जिसे बोलते हैं, वो रिन्यूअल में भी लगता है, फ्रेश लाइसेंस में भी लगता है, और चलान की कॉपी इसमें भी बैंक में जमा होती है, एसबीआई के बैंक में ही जमा होती है। ठीक है, चलान की कॉपी होती है, जो चलान आप जब ऑनलाइन जनरेट करेंगे आप चलान, तो ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, जनरेट तभी होगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद उस चलान को आप बैंक में जमा करना होता है। ये तो दोस्तों हो गई अगर आप कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं और कौन कौन से फॉर्म का क्या काम होता है, एक शॉर्ट रिव्यू आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, टोटल 25 फॉर्म होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट में फर्स्ट फॉर्म होता है, फॉर्म फर्स्ट है कि जो एम्प्लॉयर अपने आप को रजिस्टर करवाती है। ठीक है, फॉर्म टू में उसको लाइसेंस जो मिलता है, रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो रजिस्टर्ड होने के बाद उसको लाइसेंस मिलता है, ये देखो ये है उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफिकेट मिलती है कि हाँ भाई आप रजिस्टर्ड हो गए हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट के अंदर, तो फॉर्म टू में उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 में क्या होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या होता है दो चीज होती है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एक तो कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी का पूरी डिटेल होती है कि कंपनी रजिस्टर्ड है और कंपनी के अंदर कितने वर्कर हैं। ठीक है, दूसरा होता है उस कंपनी में कितने वर्कमैन, कितने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कितने कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के पूरी डिटेल्स होती है इसके अंदर, कौन से कॉन्ट्रैक्टर कितने एम्प्लॉयज हैं क्या है पूरी डिटेल्स होती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म 4 के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसमें मेन है ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट होते हैं कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंप्लायंस में क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अब कंप्लायंस में लगते हैं, जैसे हो गया यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक से होता है फॉर्म 13 रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, फॉर्म 13 होता है जो एस्टेब्लिशमेंट के पास प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्टर होता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब एक सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में, मान लो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में 4 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और हर कॉन्ट्रैक्टर के पास 3-3, 4-4 बंदे हैं, उन सब के बंदे 20 मिला के अगर 20 हो रहे हैं तब भी उसको लेवल मतलब इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट में, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है,
अगर तुम 4 कॉन्टैक्ट हो या 10 कॉन्टैक्ट हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के 20 बंदे हों तभी आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के 20 20 बंदे आप रख सकते हो, 18 18 बंदे करवा सकते हो। सारे कॉन्ट्रैक्टर के मिला के 20 बंदे भी होंगे तब भी आपको एस्टेब्लिशमेंट को इस एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है फॉर्म 13 रजिस्टर ऑफ वर्कमैन, मैंने बताया था आपका, जिसमें वर्कमैन की पूरी डिटेल्स होती है। उसके बाद ये मेंटेन करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करते रहे टाइम से टाइम। एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है कि नहीं दिया रहा है उनकी सर्विस की, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 14 होता है, फॉर्म 15 वेज स्लिप होती है, उसको वेजेस स्लिप मिल रही है कि नहीं है, सर्विस सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट हो गई, उसके बाद हो गया मास्टर रोल हो गया, जिसमें अटेंडेंस जो लगती है, ठीक है, वो तो आप जानते ही हो। हाजिर, उसके बाद रजिस्टर ऑफ वेजेस, जो उनको सैलरी डिस्ट्रीब होती है, मंथली जो सैलरी बनती है, रजिस्टर ऑफ वेजेस हो गए, ठीक है। ये फॉर्म 17 हो गया। उसके बाद है मास्टर कम वेजेस रजिस्टर, ये फॉर्म 18 हो गया आपका। दोनों को कंबाइन करके आप बना सकते हो मास्टर कम वेजेस रजिस्टर, ठीक है। इसके इसमें भी वो है प्रोविज़न है। एंड रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस फॉर्म 22, ये मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है फॉर्म, इसमें क्या होता है, इस टाइप में आपको फॉर्मेट है, जो आप फॉर्मेट में आपको जो सैलरी बनानी होती है। मास्टर रोल हो गया ये, ठीक है। फॉर्म 16 हो गया, सी रूल अंडर सेक्शन 78 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 2 एंड 2A, ठीक है। ये हो गया, इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर आता है। उसके बाद नेम, नेचर एंड लोकेशन ऑफ वर्क, भाई काम का नेचर क्या है और लोकेशन ऑफ वर्क क्या है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, होनी चाहिए, उस पर पूरी डिटेल होनी चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट इज कैरीड ऑन, मतलब जहाँ पे काम किया जा रहा है, किसके अंडर पे काम किया जा रहा है, उसका यहाँ पे नाम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो उसका नाम आना चाहिए। उसके बाद है देख लीजिए, अप्रैल 2017 का मास्टर रोल था, काफ़ी पुराना था। उसके बाद है मास्टर रोल में ये डिटेल मैंडेटरी है, बंदों के एम्प्लॉय कोड होने चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, फादर नेम, ठीक है, और उनकी अटेंडेंस, ये मास्टर रोल पे मैंडेटरी है, इस तरह से मास्टर रोल बनना चाहिए। नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अगर आप मास्टर रोल कैसे भी बना दे रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो रेगुलेशन एक्ट है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म 16 हो गया, फॉर्म 17 हो गया रजिस्टर ऑफ वेजेस, ठीक है, ये फॉर्म 17 हो गया। सेम ऊपर का फॉर्मेट सेम ही है जो मास्टर रोल में ही है, बस इसमें केवल ये है, इसमें सैलरी जो सीट होती है वो सैलरी बन रही है इसमें, ठीक है, रजिस्टर ऑफ वेजेस बोलते हैं इसको। बंदे ने 30 दिन काम किया है तो 30 दिन उसकी सैलरी इतनी है, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, बेसिक इतनी है, वॉशिंग अलाउंस ये उसको डिवाइड करके उसकी सैलरी बनाई गई है। टोटल उसकी वेजेस उसने 30 दिन में इतना काम किया है, अप्रैल 37 होता है, पूरे उसने सैलरी अर्न किया है, ठीक है, कितना ESI PF कटा है, कितना SIC कटा है। अगर कोई अदर डिडक्शन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये जैसे 4 बंदों का मैंने एग्जांपल में सैलरी बना के दिखा रखी है। उसके बाद हो गया आपको ये नॉर्मल फॉर्म है जो आपको हर मंथली प्रिपेयर करने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस फॉर्म 20, ठीक है। इसमें आप अगर कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, फालतू की कोई डिडक्शन चीज नहीं हुई है, तो आप नो डिडक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस मेड टू एनी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द मंथ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म 21 हो गया रजिस्टर ऑफ फाइन्स, ठीक है, रजिस्टर ऑफ फाइन्स में ऊपर का फॉर्मेट सेम रहता है, मैंने एक्सेल पे बना रखा है, अगर आपको ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर ऑफ फाइन हो गया, नो फाइन इम्पोज टू एनी एम्प्लॉय ड्यूरिंग द मंथ, ये फाइन रजिस्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर ऑफ एडवांस हो गया, ये सारे रजिस्टर मंथली कंप्लेंसेस पे देने पड़ते हैं आपको। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर से इन सबको मांगता है, ठीक है, और उनको वेरीफाई करता है, चेक करता है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट कर रहा है उन वर्करों की, उनको प्रॉपर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन सब पे ध्यान देगा, ठीक है। अगर मान लो किसी बात पे कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है, या कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, पैसे लेके भाग गया है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की पेमेंट नहीं की है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बनती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, भले वो कॉन्ट्रैक्टर दे चुका है,
तो इसमें कौन जो है लूज पॉइंट उस है प्रिंसिपल प्लायर का कि वो टाइम से क्यों नहीं चेक करता था, इसीलिए टाइम टू टाइम वो चेक करता रहता है कंप्लेंसेस, उसको चेक करते रहना चाहिए कि उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके अंडर में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर कंप्लेंसेस फॉलो कर रहा है और उनको प्रॉपर सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दोस्तों आपको दिखाता हूँ हाफ ईयरली रिटर्न बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये होता है हाफ ईयरली रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न सेंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर। आपको ये पता ही होगा कि अब हाफ ईयरली रिटर्न जो भी है वो श्रम सुविधा पोर्टल से फाइल होता है, श्रम सुविधा पोर्टल से लॉग इन करके हाफ ईयरली रिटर्न 2017 के बाद आ गया है कि आपको ऑनलाइन ही हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल से। तो हाफ ईयरली रिटर्न फॉर्म ये होता है जो ऑनलाइन अब हो गया है, तो ऑनलाइन फाइल होता है। ठीक है, फॉर्म 24, हाँ, रिटर्न टू बी सेंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द लाइसेंसिंग ऑफिसर। और फॉर्म 25 होता था जो एनुअल रिटर्न जाता था कॉन्ट्रैक्टर का, ये होता है फॉर्म 25 दोस्तों। एनुअल रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्टर जाता था वो ये होता था, इसके साथ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते थे। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।